अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए टू कलर डिज़ाइन। देखिए ये डिज़ाइन कैसे बनती है, आज मैं बना के दिखाऊंगी। और प्लीज़ फ्रेंड, आप सबसे मेरे रिक्वेस्ट है, मेरे एक लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और ये डिज़ाइन कैसे बनती है आज मैं बना के दिखाऊंगी। उसके लिए मैं थोड़ी से फंदा इसमें डाली हूँ और आपने बॉर्डर अपने पसंद से डाल लेना। और मैं उल्टी तरफ से उल्टी, सीधे से तरफ से सीधे दो लाइन मैंने डाल लिया। देखिए अब मैं बना के दिखाऊंगी ये डिज़ाइन कैसे बनती है। देखिए सबसे पहले दो मैं बीने बुने उतार लूँगी डिज़ाइन। देखिए दो में बीने बुना उतर लिया, देखिए दो स्लिप किया, आप मैं चार बीनूंगी, एक दो तीन चार, अब फिर से दो स्लिप किया, अब चार बीनना है सीधे, दो तीन चार, दो स्लिप किया, देखिए अब फिर से चार बीनना है, एक दो तीन चार, देखिए चार बीना, दो स्लिप किया, फिर से चार बीनना, दो तीन चार, देखिए चार बीना, तो लास्ट में एक स्लिप किया। देखिए पहले सिलाई आपने ऐसे करना, दो स्लिप करना, चार बीना, दो स्लिप किया, चार बीना, दो स्लिप किया, चार बीना, पहले सिलाई आपने ऐसे कंप्लीट करना है। अब आगे इसका दूसरी सिलाई, देखिए दूसरी सिलाई में जो हमारे स्लिप किया हुआ फंदा उसको स्लिप करना है और जो बीना हुआ फंदा है हमारे उसको उल्टी तरफ से उल्टी बीनना है। देखिए ये देखिए चार फंदा उल्टे बीना, अब ये दो स्लिप किया हुआ फंदा इसको स्लिप किया, अब फिर से चार बीना, दो तीन चार, देखिए चार बीना, ये दो स्लिप किया, देखिए फिर से चार बीनूंगी, दो तीन चार, दो स्लिप किया, एक दो तीन चार, अब दो स्लिप किया, अब देखिए दो सिलाई कंप्लीट हो गया। अब भाई तीसरी सिलाई, देखिए तीसरी सिलाई में दो दो सिलाई में हमारे धागा चेंज हो जाते हैं। देखिए क्या करना है, एक बीना, अब क्या करना है हमारे, ये वाइट कलर का फंदा इधर लाना है और एक पिंक कलर की इधर लाना है। देखिए कैसे लाएंगे, पीछे से सिलाई डालेंगे, देखिए पीछे से सिलाई डाल के इसको एक इधर कर लेंगे। अब ये बीनना, देखिए एक और एक इसको बीनेंगे, देखिए दो फंदा बीना। अब इसमें जो चार थे एक हमने इसमें इधर लाई, अब देखिए इसमें तीन रह गए, तीन में से दो बीनना, एक ये दो, देखिए दो बीना। अब फिर से क्या करना, हमने वाइट कलर का इधर लाना और पिंक कलर की इधर लाना, और हमेशा याद रखना वाइट कलर आगे से रहेगा। देखिए आगे से सिलाई डालेंगे, अब इसको छोड़ देंगे, इसी सिलाई में इसको उठा लेंगे। देखिए अब इसको इसी में ले लेंगे, अब इसको पीछे से देखिए हम इसको सीधा बीन देंगे, एक
ये दो बीना। अब इसको भी यही करेंगे, अब इसको क्या करना है, हमने इसको इस तरफ लाना है और इसका एक इधर लाना है, तो इसको पीछे से सिलाई डालेंगे। देखिए अब इसको इस सिलाई में ले लेंगे, अब इसको भी ले लेंगे और इसको पीछे से हम सीधी बीन देंगे। देखिए ये चार फंदा हमारे हो गया, ये देखिए। अब इसमें से दो सीधा, एक, ये दो, देखिए दो बीना। अब फिर से वही करना है हमारे, देखिए इसको छोड़ देंगे पीछे से, इसको इसे उठा लेंगे। देखिए इसको उठा लिया, अब इसको ऐसे इसमें उठा लेंगे। देखिए एक, ये दो, अब इसको पीछे से सिलाई डालेंगे, इसको ऐसे उठा लिया। देखिए अब इसको इसमें डालेंगे, अभी एक, ये देखिए हमारे इसके अंदर चार फंदा हो गया, एक दो तीन ये चार, देखिए चार फंदा हो गया। अब दो फिर से सीधा, एक, ये दो, अब फिर से वही करेंगे, इसको आगे से सिलाई डालेंगे, इसको पीछे से उठा लेंगे इसमें। देखिए एक, ये दो, अब इसको पीछे से सिलाई डालेंगे। देखिए एक, ये दो, देखिए इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे। ये हमारे तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गया। देखिए अब बनाऊंगी चौथी सिलाई। इस चार सिलाई में हमें क्या करना है, जितने हमारे पास फंदे हैं सबको उल्टे उल्टे बीनना है, उल्टे तरफ से। हमारे पास जितने ही फंदे रहेगा इसमें सारे को उल्टे उल्टे बीन देना है। देखिए उल्टे तरफ से सारे फंदे में उल्टे उल्टे बना लिया। देखिए चार सिलाई का डिजाइन होते हैं, तो चार सिलाई मैंने बना लिया, एक डिजाइन मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए और एक बना के आपको दिखाती हूँ मैं। ये सबसे पहले मैंने क्या किया था, दो स्लिप किया था। अब मैं देखिए क्या करना है, ये तीनों को अब बिनना है, और जो इसके ऊपर पिंक कलर के ऊपर से दो है, ये दोनों को अब स्लिप करूँगी। देखिए एक, दो, ये तीन, देखिए तीन बिना। अब जो ये पिंक कलर के ऊपर है दो, ये दो को अब मैं स्लिप करूँगी। देखिए एक, ये दो, अब ये चार हमें बिनना है, एक दो तीन चार। देखिए ये चारों को बिनूंगी, एक दो तीन ये चार, देखिए चार बिना। अब ये पिंक कलर के ऊपर जो दो है, ये दो को स्लिप करना है। देखिए दो स्लिप किया, अब ये चार बीनना है, एक दो तीन चार, देखिए चार बीना। अभी पिंक कलर के ऊपर दो है, दो को स्लिप किया, एक दो तीन चार, अभी ये दो स्लिप किया, अब लास्ट में दो बीना। देखिए अब उल्टे तरफ से वही करना है, जो हमारे स्लिप किया हुआ फंदा उसको स्लिप करना है, जो बिना हुआ फंदा उसको बिनना है। देखिए ये हमारे दो बिना हुआ फंदा है, दो को बिनना, ये दो स्लिप किया हुआ फंदा है, दोनों को स्लिप किया, अब चार उल्टा, एक दो तीन चार, अब देखिए स्लिप किया हुआ फंदा, इसको स्लिप किया, अभी एक दो तीन चार,
देखिए ये दो स्लिप किया, एक दो तीन चार, ये दो स्लिप किया, एक दो ये तीन, देखिए दो दो सिलाई में धागा चेंज होता है। अब देखिए क्या करना है हमने, ये जो फंदा है दो फंदा, एक इधर आएगा और इसके पिंक कलर के एक बीच में आएगा। देखिए तो क्या करेंगे हम, दो वाइट कलर से पहले बीन लेंगे, एक दो, देखिए दो बीन लिया। अब इसको इधर लाएंगे और ये पिंक कलर की बीच में लाएंगे। देखिए कैसे लाएंगे, सबसे पहले आगे से सिलाई घुसा के इसको छोड़ देंगे, अब इसको पीछे से सिलाई डाल के पीछे से इसको उठा लेंगे। देखिए इसको उठा लिया, अब इसको बीच में लाए, देखिए अब इसी सिलाई में इसको भी डाल देंगे। अब ये बीन लूँगी, देखिए बीना, अब इसको पीछे से सिलाई डाल के इसको आगे से इसको उठा लेंगे। देखिए अब इसको भी इसमें डाल लेंगे, देखिए ये देखिए बीच में दो पिंक कलर आ गई। अब देखिए एक दो, दो फंदा बीना, अब फिर से ये करना है, आगे से सिलाई डाल के इसको पकड़ लेंगे और इसको पीछे से, देखिए इसको उठा लिया इसमें, अब इसको बीच में लाए, इसको बीन देंगे, एक ये दो, अब इसको पीछे से डालेंगे सिलाई, इसको आगे से उठा लिया। अब देखिए ये देखिए बीच में दो आ गया, अब देखिए दो इसमें से सीधा बीनेंगे, एक ये दो, अब फिर से वही करेंगे, देखिए इसको बीच में लाया, अभी ये दो को बीन देंगे, देखिए इसको पीछे से सिलाई डाल के इसको इसे पकड़ लिया, अभी दो सीधे बीनेंगे बीच में, देखिए इसको भी बीच में लाएंगे, देखिए चार सिलाई मेरे कंप्लीट हो गया। फिर से अब देखिए पीछे से जितना फंदे आएंगे हमारे, सबको उल्टे उल्टे बीन के कंप्लीट करूंगी मैं, देखिए उल्टे साइड से सारे फंदा उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है, आप भी कर लीजिए। देखिए मैं उल्टे तरफ से उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लिया, अब देखिए मेरे एक डिजाइन बन के तैयार हो गया। अब मैं और एक लाइन आपको दिखाती हूँ, जो कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए सबसे पहले मैंने दो स्लिप किया था, अभी भी मैं क्या करूँगी, दो स्लिप करूँगी। देखिए फिर से एक, ये दो स्लिप किया और ये जो बीच में चार आया, ये चार को हमें बीनना है। देखिए एक ये दो तीन चार, ये चार बीनूंगी तो ये पिंक कलर के ऊपर जो दो है, ये दो को हम स्लिप करेंगे। देखिए दो स्लिप किया, एक दो तीन चार, देखिए चार बीना, अब ये पिंक कलर के ऊपर जो दो है, दो को स्लिप करूंगी, एक ये दो, अब फिर से चार बीनना, एक दो तीन चार, अब दो स्लिप किया, फिर से चार बीनना है, एक दो तीन चार, दो स्लिप किया, एक
दो तीन, ये चार, एक स्लिप किया। अब आपको पता है उल्टे तरफ से क्या करना है, जो बिना हुआ फंदा उसको बिनना है और जो स्लिप किया हुआ फंदा उसको स्लिप ही करना है। देखिए मेरे डिजाइन बन के तैयार है, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।